हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदल स्टील एंड पावर, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जा रहा है जिंदल स्कूल, ओपी जिंदल स्कूल। यहाँ से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर, सभी के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जो स्कूल्स हैं उनके कंपैरिजन में जिंदल स्कूल में यहाँ पर सैलरी बेटर है। 55,000 रुपीज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल्स जो है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी, उसकी इमेज मैंने ली है और आपके साथ उसकी इमेज शेयर की जा रही है। बाहर से भी बिलोंग करते हैं, मतलब दूसरे स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, मगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन कॉस्ट यहाँ पर नहीं ली जा रही है। तो बाकी की डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। तो ये है ओपी जिंदल स्कूल। ये नोटिफिकेशन मैं थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ, इसे पार्ट बाई पार्ट आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले जो वेकेंट पोस्ट है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, मतलब अगर सिलेक्शन होती है तो आपको बहुत जल्दी इसमें प्लेसमेंट मिल सकती है। तो पीजीटी, पीआरटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, संस्कृत, म्यूजिक, इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं बीएड के साथ में। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं होगी, एमसीए, बीटेक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन CP/MR/CI विद RCI तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपी जिंदल, ये जो फिलहाल नोटिफिकेशन रिलीज हुई है अंडर द एजेस ऑफ जिंदल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, पेट्रोटोनाइज्ड बाय जिंदल स्टील एंड पावर। तो मैंने जैसे आपको बताया जिंदल स्टील एंड पावर हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इनकी, तो इनके द्वारा ही मैनेज हो रही है ओपी जिंदल स्कूल। जिंदल स्टील एंड पावर कैंपस में ही है स्कूल, तो आपको अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी। पूरे जो इनकी कैंपस होती है वो हाई क्वालिटी की कैंपस है, तो कैंपस विद इन कैंपस आपको स्कूल मिलेगा। झारखंड में पतरातू, पतरातू जगह का नाम है जो झारखंड राज्य में, झारखंड स्टेट में है। अब अर्जेंटली रिक्वायर है, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए तो आप अप्लाई कर ही दें, बाकी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं अलग सब्जेक्ट से तो भी आप एप्लीकेशन करके छोड़ दें। अब बाकी की डिटेल आप यहाँ से लें। यहाँ पर लिख दिया कि एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, फ्रेशर में ऑल्सो अप्लाई, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में सीटेट या टेट को प्रेफरेंस देंगे, विदाउट सीटेट विदाउट टेट वाले भी एप्लीकेशन करें, बिल्कुल करें। फी तो नहीं ली जा रही है, हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू ज़्यादा अच्छी हो जाए तो आप ही सिलेक्ट हो जाए, फ्रेशर सेलेक्ट हो जाए। कई जगह पे फ्रेशर्स सेलेक्ट हो रहे हैं और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, कई जगह पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लिया जाता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड मेल देयर लेटेस्ट CV और रिज्यूमे, आपकी अच्छी बायोडाटा बना ले, डिटेल्ड बायोडाटा, उसमें आपका लेटेस्ट फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और बाकी की जो चीज़ें अपडेट कर लें। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट कर लें और ये ईमेल आईडी दी हुई है उस पर स्कैन करके आप भेज सकते हैं या PDF में कन्वर्ट कर लें और भेज दें। लेटेस्ट बाय 15 सितंबर 2020। CV सेंट बाय पोस्ट आर नॉट एक्सेप्टेड, तो पोस्ट से बिल्कुल भी नहीं भेजना है, सिर्फ ईमेल आईडी से। अब जब आप ईमेल भेज रहे होते तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि सपोज आपको पीजीटी के लिए करना है, पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट, ये जरूर लिखें इन जो भी ऊपर नाम है स्कूल का, इन ओपी जिंदल स्कूल 2022। ऐसा करके आप, और अगर आपको रेफरेंस देनी है तो आप मेरे चैनल का भी रेफरेंस दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में आज ही पब्लिश हुई है या एक दो दिन पहले पब्लिश हुई है, तो ऐसा रहेगा। होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी अलग अलग सेक्शन की और या फिर नोट डाउन कर लिए होंगे डिटेल्स।